हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट साइज के बारे में। बहुत सी फीमेल्स इस बारे में कंफ्यूज होती है कि उनका ब्रेस्ट का साइज क्या है। अगर हमारे पास जब ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने आती है, ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग कराने आती है, तो हम जब उनसे पूछते हैं कि आपका क्या साइज है, तो बोलते हैं 34 है, 36 है, और उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती, जबकि वो बहुत टाइम से लॉन्जरी अपनी खरीद रही होती है। देखिए, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। जब भी आप ब्रा का देखेंगे तो उसका साइज इस तरह से मेंशन होता है, 34B, 36D, 32D, मतलब एक तो नंबर होता है और दूसरा अल्फाबेट होता है। तो हम जानेंगे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट या ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग के बाद किस चीज़ में चेंज आता है। तो ये जो ब्रेस्ट साइज है 32A, 32B, ये सब डिपेंड करता है। इसमें दो चीज़ देखे जाते हैं, वन इज चेस्ट साइज और दूसरा कप साइज। तो जो चेस्ट साइज है वो नंबर्स में होता है, 32, 34, 36, 38, 40। बेसिकली ये क्या है, उस फीमेल का चेस्ट साइज या वो कितनी ब्रॉड है। जैसे अगर आप देखेंगे जो विदेश की लड़कियां होती हैं, जैसे अमेरिका की, वो बहुत ब्रॉड होती है, उनकी बिल्ट भी लंबी, इंडियन से कद में भी लंबी होती है, चौड़ी भी होती है। उनकी जो चेस्ट साइज होगी, यानी जो रिब केज है, यानी जो ब्रेस्ट के नीचे अगर आप टेप रखेंगे और नापेंगे, जहाँ पे आपको हड्डी का ढांचा महसूस होता है, वो चेस्ट होती है, वो ज़्यादा होती है, तो उसको नापते हैं 32 इंच, 34 इंच, 36 इंच, जो एक एक फिगर का है, 36, 24, 36। इसकी उसी के कारण ये गलत फहमी आई है। तो वो हम सिर्फ इंचेस नापते हैं, चेस्ट कैविटी कितनी ब्रॉड है। तो इम्प्लांट करने के बाद क्योंकि हम ब्रेस्ट को चेंज कर रहे हैं, हम चेस्ट कैविटी में कुछ नहीं कर रहे, तो ये सेम रहता है। यानी अगर किसी की फीमेल की 34B है ब्रेस्ट साइज, इम्प्लांट डालने के बाद 34 सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा, कप साइज चेंज होगा। तो ये कप क्या होते हैं, ए बी सी डी, जैसे जैसे ब्रेस्ट का साइज बढ़ता जाता है, कप का साइज बढ़ता जाता है, ए बी सी डी ई आगे, इस तरह से डबल डी, और इस तरह से आगे आगे कप साइज होते रहते हैं। तो इसमें अब क्या करना होता है, जब हम इम्प्लांट डालते हैं तो 34B है पेशेंट मान लो, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, 34D में या 34C में, डिपेंडिंग ऑन आप कितने साइज का इम्प्लांट डाल रहे हो। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि चेस्ट साइज सेम रहेगा, सिर्फ कप साइज बढ़ेगा, ब्रेस्ट साइज बढ़ेगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, या इसके और भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि हम सिर्फ कप साइज बढ़ा रहे हैं, हम चेस्ट साइज नहीं बढ़ा रहे। और कप साइज का मतलब जो अल्फाबेट्स है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो अगर कोई फीमेल 32B है और दूसरी फीमेल 36B है, तो किसकी ब्रेस्ट बड़ी हुई, 32B की, 32 की चेस्ट छोटी हुई, यानी वो लीन बिल्ट है, ब्रॉड नहीं है, चौड़ी नहीं है, लेकिन उसकी ब्रेस्ट बड़े साइज की है, डी साइज की है। जबकि 36B में उसकी चेस्ट ब्रॉड है, वो लड़की ऐसी चौड़ी है देखने में, उसकी चेस्ट छोटी बड़ी है, लेकिन ब्रेस्ट छोटे साइज की है, बी की। तो 32D में 32 होते हुए भी उसको ज़्यादा देखने में बस्टी लगेगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी एज कम्पेयर टू 36B। होपफुली इसका आपके आंसर्स हो गए होंगे। अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर पता है जो पीछे दिए हुए हैं। क्लिनिक सभी दिन 10 से 7 तक ओपन होता है और संडे को क्लोज होता है। आपने अपना टाइम दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।